English teacher here, and today we will start a new lesson of English grammar of class 4, lesson 2. Lesson name is kinds of noun, yani noun ke types. Noun kitne types ke hote hain, noun ke prakar kaun-kaun se hain. Jaisa hum jante hain ki noun 6 type ke hote hain. Pehla noun kaun sa hota hai? Singular and plural noun. Okay, second noun hota hai, second noun ka type hota hai masculine and feminine noun. Okay, third noun ki type hota hai countable and uncountable noun. Fourth hota hai proper and common noun. Five hota hai collective noun, and last hota hai hamare paas 6 number pe abstract noun. Okay, so first we will start with a singular and plural nouns. Hum kis se shuruaat karenge? Singular and plural nouns. Hum sab jante hain singular means kya hota hai? Single cheez. अगर कहीं भी सिंगल पर्सन होता है, सिंगल कुछ भी थिंग अगर कोई सिंगल होती है, दैट कॉल्ड अ सिंगुलर. प्लूरल, प्लूरल मींस जहां कोई चीज एक से ज्यादा होती है हम उसे प्लूरल बोलते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला है सिंगुलर नाउन. हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन और थिंग. मैंने कहा ना सिंगुलर नाउन हमें क्या बताता है, जहां पे कोई वन पर्सन होगा, कुछ भी थिंग अगर वहां पे कोई वन होगी हम उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन. ओके, इसके कुछ एग्जांपल हमने यहां पे लिखे हैं. एग्जांपल है इसे बॉय, बॉय मैंने वन बॉय बोला है, सिंगुलर है बॉय. सिटी, हाउस, ट्री, ये सारे एग्जांपल क्या है, सिंगुलर है, यानी वन वन है. ट्री मैंने यहां पे वन लिखा है, हाउस वन लिखा है, सिटी वन है, बॉय वन है, that called a singular noun. Okay, second है plural nouns. Plural nouns इसकी हम definition देखेंगे. Plural nouns refer to more than one person or thing. Plural noun हमें क्या बताता है, जहां पे एक से ज्यादा कोई person होंगे, कुछ भी चीज अगर एक से ज्यादा होती है हम उसे क्या बोलेंगे, plural nouns. Plural nouns के कुछ यहाँ पे example लिखे हैं मैंने, जैसे है children. Children means बहुत सारे बच्चे. Fruits, फल, बहुत सारे फल. Rooms, कमरे, बहुत सारे कमरे हैं. Friends यानी बहुत सारे वो friends हैं. तो ये हमने read किए singular and plural nouns. अब हम इसकी एक exercise देखेंगे कि हमें कहाँ पे singular लिखना है, कहाँ plural लिखना है. ये हमें पता होना चाहिए कि ये word singular है, ये word plural है. अब हम इसकी एक exercise देखेंगे. Okay? Okay student. अभी देखेंगे हमने सिंगुलर और प्लूरल्स की हमने डेफिनेशन रीड करी, हमने उसमें कुछ एग्जांपल देखे हैं. अब इस जो हमने डेफिनेशन रीड करी थी उसे एक क्वेश्चन पुट अप होता है. वो क्वेश्चन क्या है, कैन यू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ द फॉरेन नाउंस. क्या आप इन नाउंस के प्लूरल्स बता सकते हो. हम सभी जानते हैं कि हम क्लास 1 से हम प्लूरल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. ये पता बहुत ही इजी है कि इनके प्लूरल्स क्या है. जब भी हम कुछ प्लूरल्स बनाते हैं, किसी के प्लूरल्स हम लिखते हैं, हम तो हम क्या ऐड करते हैं, हम एस ऐड करते हैं, या फिर हम ई एस ऐड करते हैं, या फिर हम आई ई एस ऐड करते हैं. तो हमें वैसे ही सेम वे में हमें इनको भी प्लूरल्स फॉर्म में चेंज करना है. ओके, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल्स क्या है, ऑक्सन. फ्लाई, फ्लाई का प्लूरल क्या है, फ्लाइज. यहाँ पे मैंने आई ई एस यूज किया है. फॉक्स, फॉक्सेस, यहाँ पे मैंने ई एस यूज किया है. की का प्लूरल क्या है, कीज. बॉक्स, बॉक्सेस. लाइफ, लाइव्स. सिटी, सिटीज है. अब यहाँ पे है ड्यूटी, वाइफ, फैमिली, वॉच, मैंगो, वुमेन, ब्रांच, एंड लास्ट है हमारा ब्रश. तो आज फर्स्ट रो वाला मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है. इसके बाद अगर आपको यहाँ पे खुद फिल करना है, आपको इन वर्ड्स को प्लूरल में कैसे चेंज करना है, आपको इनके आगे ई एस लगाना है, एस ऐड करना है, आप आई एस भी ऐड कर सकते हो. ओके, ये सारे वर्ड्स को आपको प्लूरल फॉर्म में खुद चेंज करना है, ये मैंने आपको कर दिए हैं. तो इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में करोगे और सिंगुलर एंड प्लूरल्स की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन नाउन की डेफिनेशन. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट अ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन. अब हम किसके बारे में रीड करेंगे, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन के बारे में. ओके, तो हमारे मैस्कुलाइन नाउन की डेफिनेशन है, मैस्कुलाइन नाउन्स
are the names of main living things. Masculine nouns उन नाम्स को बोलते हैं जो क्या होती है मेन लिविंग थिंग्स होती है. मेल मीन्स जितने भी हमारे बॉयज हैं दैट कॉल्ड अ मेल. ठीक है ना. तो बॉयज में हमारे फादर भी आते हैं, हमारे ग्रैंड फादर भी आते हैं, अंकल भी आते हैं. जो भी मेल लिविंग थिंग्स होती है दैट कॉल्ड अ मैस्कुलाइन नाउंस. एग्जाम्पल हमारे पास सर, हीरो, अंकल. ओके ना. तो ये सारे क्या है मैस्कुलाइन नाउन है. अब हम देखेंगे फेमिनाइन नाउंस. फेमिनाइन नाउंस आर द नेम्स ऑफ फीमेल लिविंग थिंग्स. जितने भी फीमेल लिविंग थिंग्स होते हैं, फीमेल में जितने भी लेडीज, लेडी में गर्ल में हमारी मदर भी आती है, ग्रैंड मदर भी आती है. जो एनिमल्स होते हैं जितने भी हो फीमेल लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी मैस्कुलर, वो भी फेमिनाइन नाउन में आएंगे. ओके. जैसे एग्जाम्पल है मैडम, आंट, मदर. ओके. तो ये था मैस्कुलाइन एंड ये है फेमिनाइन. मैस्कुलाइन मतलब मेल लिविंग थिंग्स, फेमिनाइन मीन्स फीमेल लिविंग थिंग्स. ओके. इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है रीड करने के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सम नाउंस आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम मेल के लिए भी करते हैं और फीमेल के लिए भी करते हैं. वी कॉल देम नाउंस ऑफ द कॉमन जेंडर. हम उनको क्या बोलते हैं कॉमन जेंडर बोलते हैं. नंबर टू ऐसे कई सारे नाउन होते हैं जिनका यूज हम मेल के लिए भी करते हैं, फीमेल के लिए भी करते हैं. हम उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास बेबी. जितने छोटे बच्चे होते हैं हमें उनका पता नहीं होता है ये मेल है कि फीमेल है. फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं बेबी. फिर है पर्सन. पर्सन हमें पता नहीं होता कि ये पर्सन लेडी है या जेंट्स है, इसलिए हम उन्हें पर्सन बोलते हैं क्योंकि ये कॉमन जेंडर का वर्ड है. सर्वेंट. सर्वेंट में हमें पता नहीं होता है कि ये लेडी सर्वेंट है या फिर जेंट्स सर्वेंट है. ओके. तो हमने इसे कहा रख दिया हमने कॉमन जेंडर में. हम इसका सर्वेंट का यूज करते हैं. फ्रेंड. फ्रेंड में हमारा फ्रेंड हमारी गर्ल भी हो सकती है, हमारा फ्रेंड बॉय भी हो सकता है, इसलिए फ्रेंड भी एक कॉमन जेंडर का वर्ड है. कॉमन जेंडर के हमारे पास कई सारे वर्ड है जिनका यूज हम कहीं ना कहीं करते हैं. ओके. तो ये हमारे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर की मैंने इनको डिफाइन किया है और यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल भी इनके रीड किए हैं. आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी. ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउंस की हमने डेफिनेशन रीड कर दी, हमने कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखे थे. अब हम इसके एक एक्सरसाइज है. यहाँ पे इसका क्वेश्चन है कैन यू गिव द फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउंस. क्या आप इन फॉलोइंग नाउंस के फेमिनिन फॉर्म बता सकते हो. तो हम देखेंगे. पहला है सर. सर की फेमिनिन फॉर्म क्या होती है मैडम. सन. सन की फेमिनिन फॉर्म है डॉटर. डॉग की फेमिनिन फॉर्म है बिच. गॉड की है गॉडेस. लॉयन की है लॉयनेस. बॉय की है गर्ल एंड बुल की होती है कार. तो ये सारे वर्ड्स की मैंने फेमिनिन फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं. अब इन सारे वर्ड्स की फेमिनिन फॉर्म आपको खुद से यहाँ पे लिखने हैं. मैन टाइगर, किंग, हीरो, पापा, कॉक, पोएट, एक्टर. ओके. इन सारे वर्ड्स की आपको फेमिनिन फॉर्म आपको खुद लिखनी है. अब हम रीड करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस. हम अब काउंटेबल नाउंस के बारे में रीड करेंगे और अनकाउंटेबल नाउंस के बारे में हम रीड करेंगे. काउंटेबल नाउंस आर द थिंग्स वी कैन काउंट. काउंटेबल नाउंस वो चीजें होती है जिनको हम आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउंस बोलेंगे. जैसे कि बॉटल. कोई बॉटल वाटर बॉटल हो, कोई किसी भी टाइप की बॉटल होती है, हम उनको काउंट कर सकते हैं. फ्रेंड. हमारे कितने फ्रेंड हैं हम उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं. मेरे पास 10 फ्रेंड्स हैं, मेरी क्लास में मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, घर में मेरे 4 फ्रेंड्स हैं. हम इस टाइप से अपने फ्रेंड को काउंट कर सकते हैं. शॉप. कि हमारे घर के आसपास कितनी शॉप है हम उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं. अब है अनकाउंटेबल नाउंस. अनकाउंटेबल नाउंस आर द थिंग्स वी कांट काउंट. ऐसे थिंग्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. जैसे डर्ट, म्यूजिक, कॉफी. अब हम देखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. पुट सी फॉर अ काउंटेबल नाउन, यू फॉर एन अनकाउंटेबल. ये सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे. हमें वर्ड्स क्या है हमें सी पुट करना है. सी हमें काउंटेबल नाउन के लिए पुट करना है और यू हमें अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम
तो जैसे मैंने लिखा है एयर, तो एयर क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे यू लिखा है। वैसे मैंने आइस लिखा है, आइस के आगे यू लिखा है, कार, कार के आगे मैंने सी लिखा है, डर्ट, डर्ट के आगे मैंने यू लिखा है, डिश, डिश के आगे सी, ट्री के आगे सी, राइस के आगे यू, डस्ट है यू, ओके। ये सारे इन सारे वर्ड्स के आगे मैंने सी एंड यू यहाँ पुट कर रखे हैं, बाकी ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे खुद आपको काउंटेबल नाउन के लिए सी लिखना है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको यहाँ पे यू लिखना है। मिल्क, सोप, डॉग, क्लास, ड्रेस, न्यूज, चेयर, बुक, एप्पल, आपको इन वर्ड्स के लिए अगर आपको लगता है कि ये काउंटेबल है आपको यहाँ पे सी लिखना है, अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो आप यहाँ पे यू लिखेंगे, ओके। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, इसके बाद हम प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स। प्रॉपर नाउन किसी भी किसी स्पेशल किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग्स का नेम हो सकता है, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर्स, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कहाँ से उनकी शुरुआत करते हैं, हम उनकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से उन्हें स्टार्ट करते हैं, ओके। जैसे मैंने कहा प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स का नेम, जैसे किसी बिल्डिंग का नेम, किसी भी फेमस पर्सन का नेम, कोई भी फेमस टेम्पल हो गया, फेमस हाउस हो गए, कोई फेमस ट्री होता है, किसी भी फेमस पर्टिकुलर किसी भी थिंग्स के बारे में किसी का हम नेम लिखते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है दिल्ली, दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, ताजमहल ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम है, रूही ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स दैट कैन बी यूज फॉर ऑल पर्सन और थिंग्स। कॉमन नाउन उसे बोलेंगे जब हम किसी ऑल पर्सन के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, किसी भी सारी चीजों के लिए हम किसी एक वर्ड का यूज करते हैं उसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है मैन, तो मैन में सारे मैन आ गए, चाहे हमारे अंकल हो, फादर हो, हमारे ब्रदर हो, तो सारे मैन है, तो इसलिए मैंने कॉमन वर्ड क्या यूज कर दिया उनके लिए, मैन। बुक, हमारे पास अलग अलग टाइप की बुक होती है, कोई स्टोरी बुक होती है, कोई ड्राइंग बुक होती है, कोई हमारी लिटरेचर बुक होती है, तो ये हमारी बुक एक कॉमन नेम है। ट्री भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि अलग अलग ट्राइब के ट्री होते हैं, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्री का नेम नहीं दिया है, यहाँ पे बस ट्री लिखा है क्योंकि ट्री क्या है कॉमन नाउन है। अब हम प्रॉपर एंड कॉमन नाउन का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन, हमें यहाँ पे प्रॉपर नाउन के कुछ नेम लिखने हैं। क्वेश्चन 1 है थ्री सिटीज, हमें प्रॉपर नाउन के थ्री सिटीज में हमें नेम लिखने हैं, तो पहला मैंने लिखा है दिल्ली, सेकेंड मैंने लिखा है मुंबई, ये थर्ड वाला आपको खुद फिल करना है, आपको यहाँ पे सिटीज का नेम फिल करना है, ओके। फिर है थ्री रिवर्स, हमें यहाँ पे थ्री रिवर्स के नेम लिखने हैं, पहले मैंने लिखा गंगा, सेकेंड मैंने लिखा जमुना, थर्ड आपको यहाँ पे खुद लिखना है। थ्री फेमस मैन, हमें तीन प्रसिद्ध लोगों के नेम लिखने हैं, तो पहला मैंने लिखा महात्मा गांधी, सेकेंड लिखा मैंने गुरु नानक, थर्ड आपको यहाँ पे खुद राइट करना है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द नेम्स ऑफ कॉमन नाउन, अब हमें यहाँ पे कॉमन नाउन के हमें नेम लिखने हैं। थ्री आर्टिकल्स ऑफ फूड, तीन टाइप्स के फूड का नेम लिखना है, पहला है राइस, सेकेंड मैंने लिखा चीज, थर्ड आपको यहाँ पे खुद लिखना है। थ्री आर्टिकल ऑफ ड्रेस, थ्री टाइप्स की हमें ड्रेस लिखनी है, मैंने लिखा शर्ट, फ्रॉक, थर्ड आपको यहाँ पे खुद लिखना है। थ्री क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, जो अपने क्लासरूम में आप जो भी देखते हो ऑब्जेक्ट, आप जो भी देखते हो आपको यहाँ पे लिखना है, तो पहले मैंने लिखा चेयर, हम क्या लिखते हैं और टेबल, थर्ड वाला आपको यहाँ पे खुद फिल करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स। मैं आपको बता दूँ कलेक्ट मीन्स होते हैं इकट्ठा, हम कभी यूज करते हैं, कई बार हम कलेक्ट वर्ड को यूज करते हैं, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, ओके। हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स
और थिंग्स कलेक्टिव नाम उन नाउंस को बोलते हैं जिसमें किसी पर्सन का कलेक्शन हो या फिर किसी भी चीज का कलेक्शन, यानी कोई चीज अगर हमें एक साथ सारे कलेक्शन अगर हमें कोई चीज हमें एक साथ पूरे कलेक्शन में मिल जाती है, जैसे कोई सारे पीपल हो गए, कई एनिमल्स हो गए, कई सारे बुक का कलेक्शन हो गया, हाउस का कलेक्शन हो गया, ठीक है ना, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल है अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कुछ भी चीज अगर हमें एक साथ कलेक्शन में मिल जाती है तो हम उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इसके हमने हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल है, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके। इस डेफिनेशन से एक क्वेश्चन पुट अप होता है, वो क्वेश्चन है चूज अ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फॉर ईच प्लांट। इन सारे कलेक्टिव नाउन्स को हमें इन सारे ब्लैंक में हमें फिल करना है, जैसे कि आर डैश डैश ऑफ एंट्स। अब एंट्स एक साथ इकट्ठा हो रखी है, फिर हम क्या बोलेंगे, अ नेस्ट ऑफ एंट्स। आर डैश डैश ऑफ पप्स, सारे पप्स एक साथ है तो हमने क्या बोलेंगे, अ लिटल ऑफ पप्स। हमें यहां से देख के यहां पे हमें ये सारे वर्ड्स फिल करने हैं। आर डैश डैश ऑफ बीज, जब सारे बीज एक साथ कहीं पे है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमें यहां से देखना है, हम उसे बोलेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज। आर डैश ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप। अब फिफ्थ है आर डैश ऑफ कार्स, सारी कार्स एक साथ उसमें कलेक्शन है, कार्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, आपको यहां से फिल करके लिखना है। आर डैश ऑफ शीप, शीप के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, आपको वो वर्ड यहाँ पे आपको राइट करना है। आर डैश ऑफ बुक्स, बुक्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो वर्ड कौन सा है, आपको यहाँ पे देख के ये सुटेबल क्लू बॉक्स है, आपको यहाँ देख के यहाँ पे फिल करना है। आर डैश ऑफ हाउसेस, हाउसेस को हाउस के कलेक्शन को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे एक वर्ड है, आपको वो यहाँ पे फिल करना है। आर डैश ऑफ प्लेयर्स, जहाँ कहीं पे बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ कहीं पे इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते, तो हम वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आपको यहाँ से लेके इस ब्लैंक में आपको फिल करना है। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे कलेक्टिव नाउन्स, हमने इसके क्वेश्चन भी पुट अप हुआ जिसका आंसर आपको यहाँ से देके फिल करने, फोर तक मैंने फिल करके लेकिन फाइव टू नाइन तक आपको ये सारे आंसर यहाँ पे फिल करने। अभी हमारे लास्ट डेफिनेशन है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हम रीड करेंगे, वी कैन सी स्मेल हेयर और टच मोस्ट थिंग, हम ज्यादा ज्यादा चीजों को हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और हम कुछ चीजों को हम सुन भी सकते हैं। बट देयर आर थिंग्स वी कांट सी स्मेल एक्सेट्रा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, जिनकी आवाज हम नहीं सुन सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वी कॉल देम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जिन चीजों को हम ना ही सुन सकते हैं, ना ही उनको टच कर सकते हैं, ना ही उनको स्मेल कर सकते हैं, हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलेंगे। दे रेफर टू सम स्टेट एक्टिविटी और क्वालिटी, ये हमें क्या बताते हैं, कुछ स्टेट किस चीज की एक्टिविटी या फिर किस चीज की हमें क्वालिटी को बताते हैं। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं बोलूंगी पॉवर्टी, यूथ, चाइल्डहुड, ये क्या है, स्टेट है। ओके, फिर सेकेंड में है रेस, चॉइस, लाफ्टर, ये सारे क्या है, एक्टिविटी है। इसके बाद है काइंडनेस, हार्डनेस, ऑनेस्टी, ये सारे क्या है, ये क्या है, हमारी क्वालिटी है, क्या है हमारी, ये क्वालिटी। ओके, हमने देखा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या रेफर करते हैं, वो कुछ स्टेट रेफर करते हैं, कुछ एक्टिविटी रेफर करते हैं, कुछ क्वालिटी रेफर करते हैं। जैसे मैंने लिखा चाइल्डहुड क्या हो गया, स्टेट हो गया, लाफ्टर चॉइस ये क्या है, एक्टिविटी है, काइंडनेस हार्डनेस ऑनेस्टी ये क्या है, क्वालिटी है। अब मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जिनको हमने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में कैसे बनाना है हम देखेंगे। यंग को मैंने कैसे लिखा, यूथ, डाइट को लिखा मैंने डेथ, रन को लिखा मैंने रेस एंड फ्लैग को लिखा मैंने फ्लाइट। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उनको हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, जैसे आप हॉट का लिख सकते हैं, हीट। ओके, तो ये था हमारा लास्ट डेफिनेशन थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इससे पहले हमने सिक्स डेफिनेशन को हमने पढ़ा भी, हमने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक एक्सरसाइज देखेंगे। अब हम इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ
वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर, हमें इनकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मैंने बताया कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किस कोई वर्ड कैसे चेंज होते हैं मैंने बताया था आपको, वैसे ही हम हमें यहाँ पे ये सारे वर्ड चेंज करने हैं। ओके, जिनको हमने ब्रैकेट में लिखा है वो यहाँ पे चेंज जाएंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है फायर गिव्स अस डेथ, ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे थॉट, तो हमने इसे कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे यूज किया, हीट। ओके, डैश डैश ब्रैकेट में लिखा है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमने यहाँ पे ऑनेस्ट का मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे यूज किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वी वांट टू लिव इन ब्रैकेट में लिखा है फ्री, तो हमने इसे कैसे लिखा है, वी वांट टू लिव इन फ्रीडम। ओके, फोर्थ है आई हैव नो डैश डैश ब्रैकेट में लिखा है फ्रेंड विद हिम, तो आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ्रेंड कैसे यूज करना है मैंने बताया था आपको, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रू, तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करके लिखना है। देयर वाज जस्ट डार्क इन द रूम। सेवन है दे प्रेज हिम फॉर हिज जस्ट ब्रेव, व्हाट इज द जस्ट वाइट ऑफ दिस रूम, तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है, इसके सारे डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, और जितनी मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज करवाई थी एक एक डेफिनेशन सबके एक एक एक्सरसाइज हमने करी है, आपको वो अपनी नोटबुक में करनी है और आपको ये सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस।